हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेंगफेंग और लियू युक्सवान दोनों एल्केमिस्ट कंपटीशन का फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। इस फाइनल राउंड में चेंगफेंग और लियू युक्सवान दोनों लियू लियांसिया के अपोजिट कम्पीट कर रहे होते हैं। इस राउंड में दोनों को कुछ हर्ब्स यूज कर रिकवरी पिल रेडी करना था। इन हर्ब्स में एक मिस्टीरियस सीड भी था। जब लियू युक्सवान इस पिल को बना रही होती है, फिर ये सीड के कारण इसे चक्कर आने लगता है और ये इस पिल को बनाना रोक देती है। चेंगफेंग समझ जाता है कि ये सीड माइंड को कंट्रोल करता है। चेंगफेंग और लियू युक्सवान दोनों इस राउंड को छोड़ देते हैं और एल्केमिस्ट कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। कंपटीशन को छोड़ने के कारण इन दोनों को प्रेसिडेंट और ऑडियंस काफी बुरा भला भी कहते हैं। लियू लियांसिया इस पिल को बनाना जारी रखती है और फिर इस मिस्टीरियस सीड के स्मेल से यहाँ पे सभी अपना कंट्रोल खो देते हैं और सभी बेकाबू होकर एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ली भी। अब चेंगफेंग इस तरह के सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी कर आया था। चेंगफेंग यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाता है और इस फॉर्मेशन के हेल्प से बारिश कराता है। इस बारिश में एंटीडोज होता है जिसके कारण यहाँ पे धीरे धीरे ये सभी ठीक होने लगते हैं। प्रेसिडेंट ली जब ठीक हो जाते हैं, फिर ये चेंगफेंग को इनकी जान बचाने और बाकियों का जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं और इस राउंड में चेंगफेंग और लियू युक्सवान दोनों को विजेता घोषित करते हैं और फिर चेंगफेंग को फाइनली मेडिसिन स्पिरिट का आधा हिस्सा भी दे देते हैं। यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था और अब आगे एपिसोड 191 के स्टार्ट में हम देखते हैं चेंगफेंग और लियू युक्सवान दोनों यहाँ पे एक टेबल के पास खड़े होते हैं। चेंगफेंग अपना दोनों मेडिसिन स्पिरिट निकालता है। अब चेंगफेंग इन दोनों मेडिसिन स्पिरिट को कंबाइन करने का कोशिश करता है। ये दोनों मेडिसिन स्पिरिट कंबाइन होने लगते हैं। इधर यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े होकर ये देख रहे होते हैं। इस स्पिरिट के फ्लेम का पावर काफी खतरनाक है। मुझे लगता है कि इस पावर के साथ है अब ये दोनों नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं चेंगफेंग यहाँ पे इस स्पिरिट को चेक करता है। इसे पता चलता है कि ये रून्स फायर को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल है। अब चेंगफेंग इस रून को यहाँ पर सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये लोग भी इस रून को देख चौंक जाते हैं और ये कहते हैं, क्या मैं फ्लेम रून्स को देख रहा हूँ? ये लड़की कहती है, ऐसा लगता है कि इसे यूज कर हम ड्रग्स को रिफाइन कर सकते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ पे इस रून के पावर को रिफाइन करने लगते हैं और अपना लेवल अप करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं इधर चेंगफेंग के ऊपर कुछ ब्लैक बर्ड जैसे प्राणी उड़ने लगते हैं। ये देख लियू युक्सवान प्रेसिडेंट से पूछती है, प्रेसिडेंट ली ये है क्या? तो प्रेसिडेंट ली कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट के रूट से निकल रहा है। फिर चेंगफेंग का मेडिसिन स्पिरिट अपने सेल से बाहर निकलता है। अब ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, मगर इसके निकलते ही यहाँ पे भूकंप आने लगता है और एक काफी बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इस फॉर्मेशन से एक पॉट बनकर निकलता है और ये काफी विशाल होता है। ये देखकर चेंगफेंग प्रेसिडेंट ली से पूछता है, प्रेसिडेंट ली ये है क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे चारों ओर आग लग जाता है। अब सभी लोग कहते हैं, एल्केमिस्ट एसोसिएशन क्या करना चाहते हैं? इस आग को जल्द से जल्द बुझाओ। प्रेसिडेंट ली यहाँ पे सभी को कहते हैं, डरो मत, तुम सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सभी यहाँ पे इस बड़े से पॉट के अंदर होते हैं और इस पॉट में चारों ओर आग लगा होता है। फिर तभी यहाँ पे डीमन ड्रैगन सेक्ट की फिफ्थ प्रोटेक्टर जिमी आती है और ये यहाँ पे सभी से कहती है, ये मेरे हेवन और अर्थ के बीच का फर्नेंस है, इसे मैंने इसी आखिरी दिन के लिए रेडी किया था। ये बताती है कि आज मैं तुम सबको इस फर्नेंस में यूज कर एक ऐसा इलेक्सर बनाऊंगी जो आज तक का सबसे बेस्ट मेडिसिन होगा और इसके लिए मैं तुम सबको यूज करने वाली हूँ। इस मेडिसिन के लिए स्पिरिट, ड्रैगन सील और तुम सबका जरूरत है। अब ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, तुम हमें मारकर मेडिसिन बनाना चाहती हो, क्या बकवास है? और ये सब हंसने लगते हैं। प्रेसिडेंट ली इन सबको कहते हैं, जा और जाकर इसे पकड़ कर मेरे पास ले आओ। अब ये जिमी पर अटैक करने आगे जाते हैं। जिमी वापस इन्हें नीचे की ओर फेंक देती है और कहती है, तुम सब लकी हो जो मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। अब ये देख चेंगफेंग और लियू युक्सवान दोनों यहाँ पे जिमी से फाइट करने लगते हैं, मगर इनका अटैक जिमी तक पहुँच ही नहीं पाता। अब जिमी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। इसके एक्टिवेट करते ही चेंगफेंग का ड्रैगन सील और साथ ही इसका मेडिसिन स्पिरिट ये दोनों यहाँ पे उड़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं और साथ ही लियू युक्सवान का फॉक्स स्पिरिट भी उड़कर ऊपर की ओर जाने लगता है। जिमी इन सबको मटेरियल के तौर पे यूज कर मेडिसिन क्राफ्ट करना चाहती है। चेंगफेंग यहाँ पे इसे रोकने जाता है, मगर ये भी ऊपर तक पहुँच नहीं पाता और ये नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे में डीमन ट्रांसफॉर्मेशन वाले हर्ब्स उगने लगते हैं। इससे यहाँ पे सभी लोग इस हर्ब के चपेट में आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये सब डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे अपने हीरो पे अटैक कर देते हैं। चेंगफेंग यहाँ पे उसी पिल का यूज करता है जिससे इसने टोंगे को डिफीट किया था, मगर इस बार ये पिल इन सब पे काम नहीं करता। अब चेंगफेंग भी समझ नहीं पाता कि क्या गड़बड़ है, मगर एक बात समझ जाता है कि इसे जल्द से जल्द जिमी को डिफीट करना है, नहीं तो यहाँ पे सभी एक एक का डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। चेंगफेंग जिमी की ओर जाता है। जिमी चेंगफेंग को देखकर कहती है, लास्ट टाइम तुमने मुझे मेरे कर्स के कारण रोक दिया था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें लगता है कि इस बार तुम मुझे रोक सकते हो? ये दोनों में काफी इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाता है। चेंगफेंग अपना पूरा पावर यूज करता है इसे फाइट करने के लिए। इधर जिमी भी अपना फुल पावर में फाइट कर रही होती है। चेंगफेंग अपना बेस्ट टेक्निक यूज करता है इसके अटैक से बचने और इसे मारने के लिए, मगर ये भी कुछ कम नहीं होती। चेंगफेंग के हर अटैक को ये आसानी से रोक देती है।
चेंग फेंग जिमी के पावर और इसके वेपन को देखकर हैरान हो जाता है। जिमी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी दिख रही होती है। चेंग फेंग यहाँ पर हारता हुआ दिखता है हमें। जिमी यहाँ पे सील इम्प्रिंट वेपन का यूज करती है, ये काफी पावरफुल वेपन है। चेंग फेंग इस वेपन के कारण अब इस फाइट को हारने लगता है। जिमी अपने सील इम्प्रिंट वेपन का यूज कर चेंग फेंग को यहाँ पे सील कर देती है और इसे दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। अब ये देख ल्यूक स्वान भी हैरान हो जाती है कि चेंग फेंग इतना जल्दी कैसे हार गया और ये अचानक यहाँ से कैसे गायब हो गया। अब ये भी गुस्से में आकर अपना फॉक्स स्पिरिट यूज कर जिमी पे अटैक कर देती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी, मगर फॉक्स स्पिरिट को जिमी बड़े आसानी से कंट्रोल कर लेती है। इधर चेंग फेंग दूसरे डायमेंशन में आ जाता है। यहाँ पे इसके चारों ओर व्हाइट फ्लेम ही होते हैं, ये एक तरह का कलरलेस वर्ल्ड दिख रहा होता है। अब चेंग फेंग को समझ में नहीं आता कि ये कौन सा जगह है और यहाँ पे इसके स्पिरिट फ्रेंड्स यानी जीवे इवल फेंग और एंसेस्टर आन, ये सबको चेंग फेंग अपने अंदर फील नहीं कर पाता। इन फ्लेम्स को देखकर चेंग फेंग कहता है क्या ये हैंड प्रिंट सील का रून्स है। अब चेंग फेंग के आगे एक बड़ा सा डीमन सामने आ जाता है। ये डीमन व्हाइट फ्लेम में डूबा होता है, इसके बॉडी से व्हाइट फ्लेम निकल रहा होता है। चेंग फेंग यहाँ पे इस डीमन को हराने का कोशिश करता है और जैसे ही ये इसे हराता है इसमें से एक सील निकलकर चेंग फेंग के बॉडी में इंटर करता है। ये नाइन्थ सील है। इस सील के कारण चेंग फेंग अब एक और लेवल अप कर लेता है और नाइन्थ लाइट हैंडप्रिंट सील को गेन करता है। अब ये इस पावर को यूज कर यहाँ से बाहर निकलता है। इधर जिमी अपने प्लान को कामयाब होता देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहती है लगता है कि मास्टर मेरे काम से काफी खुश होने वाले हैं। इतने में ही यहाँ पे चेंग फेंग आ जाता है और ये अब नाइन्थ लाइट सील के पावर को यूज कर पाता है और इस पावर से जिमी पे अटैक करता है। अब जिमी भी चेंग फेंग को देखकर हैरान हो जाती है। अब इसे समझ में नहीं आता कि चेंग फेंग कैसे जिंदा बच गया। चेंग फेंग बताता है कि तुम्हारे उस स्टैम्प के कारण मैंने नाइन्थ लाइट सील टेक्निक को सीख लिया है और उसी टेक्निक के कारण मैं वहां से बाहर आ गया। अब इन दोनों का फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाता है। जिमी यहां पे हारना नहीं चाहती है और काफी गुस्से में भी आ जाती है, मगर चेंग फेंग अपने नाइन्थ लाइट सील के पावर को यूज कर इस पर अटैक करता है और इस बार जिमी चेंग फेंग के पावर को रोक नहीं पाती और ये सीधा नीचे आ गिरती है। अब ल्यूक स्वान चेंग फेंग को देखकर काफी खुश हो जाती है। चेंग फेंग यहां पे एंसेस्टर आन से कहता है एंसेस्टर आन अब आप ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते, आपको आकर हमारा हेल्प करना ही होगा। एंसेस्टर आन फिर यहाँ पे आते हैं और एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। फिर चेंग फेंग और ल्यूक स्वान दोनों अपने अपने स्पीड के पावर से इस फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पे ये सभी डीमन हर्ब्स गायब होने लगते हैं। इन डीमन हर्ब्स के गायब होने के कारण एक एक कर ये डीमन में ट्रांसफॉर्म हुए लोग धीरे धीरे वापस ठीक होने लगते हैं और इन हर्ब्स के गायब होने और जिमी के बेहोश होने के कारण अब ये बड़ा सा पॉड भी यहाँ से गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।